नमस्कार आपने बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स तो देखे होंगे जो कि बहुत जगह पे यूज होते हैं प्री शु... प्री वेडिंग शूट में होते हैं कभी कभी शादियों में भी यूज किए जाते हैं सर्विलेंस के लिए होते हैं आज आजकल तो पुलिस मतलब भीड़ को सर्विलेंस र... रखने के लिए भी यूज कर रहे हैं लेकिन अभी अभी अब भारत सरकार ने इस ड्रोन के बारे में पॉलिसी और रेगुलेशन बना जिसको लेकर हो सकता है आपको अपने पूरे के पूरे पाथ ही चेंज करने पड़ेंगे उस रेगुलेशन के हिसाब से आपको ड्रोन उड़ाना पड़ेंगे क्योंकि अगर आप मतलब एज अ हॉबी और एज अ सर्विलेंस के लिए ड्रोन यूज करते हैं तो आपको ये सब कुछ जानना पड़ेगा कि ये ड्रोन्स की पॉलिसी है क्या तो चलो आज शुरू करते हैं कि ये नई जो पॉलिसी बनाई है उससे हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो ड्रोन्स की पॉलिसी आई है तो उसमें ऐसा क्या क्या लिखा है जो कि तुम नहीं कर सकते तो पहले एक बात जान लो कि ये जो ड्रोन्स है ये ड्रोन्स उस कैटेगरी में मोड़े जाते हैं जिसको बोलते हैं अनमैन फ्लाइट बोले तो बिना इंसान का उड़ने वाला जहाज तो वो उस कैटेगरी में आते हैं तो उसको लेकर पहले अपने भारत में कोई ऐसे रेगुलेशन या पॉलिसी नहीं थी लेकिन अभी अभी सरकार ने उसको बहुत ही मेहनत के साथ जारी किया है और अभी देखते हैं कि उसके साथ आते गए तो चलो ये जान लेते हैं कि आप उसके उस पॉलिसी के हिसाब से आप क्या नहीं कर सकते पहली बात कि आप कौन सा भी ड्रोन विदाउट लाइसेंस से नहीं उड़ा सकते हैं। मतलब अगर आप ड्रोन यूज़ करते हो अगर आप ड्रोन उड़ाते हो तो आपको लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरी बात ये लाइसेंस पाने के लिए आपको मिनिमम एज जो है मतलब कम से कम अठारह साल के ऊपर होना चाहिए अगर आप अठारह साल के नीचे हो तो आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा इसके सिवा ये जो ड्रोन है वो आप कहाँ पे नहीं उड़ा सकते उसमें कुछ प्रोहिबिशन एरियाज है मतलब जहाँ पे ड्रोन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है जैसे कि मान लो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स मतलब जो कि पाकिस्तान से मिलती है बांग्लादेश से मिलती है तो उस इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप ये ड्रोन नहीं उड़ा सकते मैक्सिमम केस आप में आपको इंटरनेशनल बॉर्डर पे उड़ाओगे भी नहीं लेकिन आप नहीं कर सकते दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि आपको अगर आप मतलब इंडिया के बाहर के हो तो आप इंडिया में ड्रोन नहीं उड़ा सकते मतलब जो नॉन रेजिडेंशल इंडियंस है मतलब जो इंडिया में इंडिया के बाहर के लोग है तो उस ये ड्रोन के इस्तेमाल भारत में नहीं कर सकते तीसरी बात जगह जो है कि जो मान लो कि जो मिलिट्री बेसिस है मिलिट्री इंस्टॉलेशन है मिलिट्री का जो भी अपना सुरक्षा का एरिया है वहाँ पे भी ड्रोन आ, उड़ाना अन है मतलब प्रोहिबिटेड है ये जो ड्रोन है इसका जो यूज है आप इंडिया की गवर्नमेंट के साथ युद्ध करने में नहीं यूज कर सकते मतलब यू कैन नॉट यूज इन वार अगेंस्ट द इंडिया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें मतलब प्रोहिबिशन लगाया हुआ है जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है इस पॉलिसी के हिसाब से अगर ये पॉलिसी के जो रूल्स है अगर आप ये ब्रेक कर देते हो मतलब आप ये जो बताया गया कि ये नहीं कर सकते फिर भी आप कर रहे हो तो उसके हिसाब से अगर ऐसे पकड़ जाओगे तो आपको जो फाइन लगेगा वो फ़ाइन होगा मतलब जो फाइन आपको लगेगा उसके रूल्स ब्रेक करने के हिसाब से तो वो है ट्वेंटी लेकर पांच तक का फाइन आपको लग सकता है तो ये जो रूल्स है ये तो समझ में आते हैं थोड़े से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि चलो ये मान लो कि सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छे रूल्स है लेकिन इस पॉलिसी से ऐसे भी कुछ रूल्स है कि जिससे आपका मतलब सर थोड़ा सा घूम जाएगा जिससे आपके द्दा... आपको समझ नहीं ये समझने आएगा कि रूल्स ऐसे क्यों बनाए हुए जैसे कि कौन सा भी ड्रोन कोई भी पेलोड कैरी नहीं कर सकता तो पेलोड होता क्या है मतलब जो ड्रोन से जो उड़ते हैं उसके साथ अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज अटैच कर देते हैं तो उसको पेलोड बोल सकते हैं मतलब जो वो कैरी करके लेके जा रहा है तो आप कौन सा भी पेलोड यूज नहीं कर सकते दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रोन से आप वही तक उड़ा सकते हो मतलब वही तक उड़ा सकते हो जहां तक कि जो पायलट है जो उड़ाने वाला है उसकी नजर रख सके मतलब वो ड्रोन उसको विजिबल हो सके मतलब अगर आप यहाँ से उड़ा रहे हो तो आप अप, अपने दृष्टि से के बाहर ड्रोन नहीं जाना चाहिए मतलब आपको ड्रोन हमेशा विजिबल होना चाहिए तो मतलब ये जो पॉलिसी अभी ये रूल से क्या फर्क पड़ने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि अभी अभी जो बड़े बड़े जो ऑनलाइन कैरियर की जो साइट से या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे मान लो एक वो है अमेजोन है ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो कंपनीज है जो वो कंपनीज इसमें बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रही है मतलब ड्रोन में क्योंकि वो उनकी डिलीवरी करना चाहते हैं जोमेटो में अभी अभी, अभी फूड डिलीवरी के हिसाब से टेस्टिंग की है कि जो कि मतलब ड्रोन एज अ फूड डिलीवरी में यूज़ किया जाएगा मतलब अपना जो खाना है भाई डायरेक्ट सीधा ड्रोन से आएगा अमेजोन तो भी इसमें बहुत सारा काम कर रहा है कि मेडिसिन डिलीवर हो सके तो अभी मान लो कि मतलब इंडिया की पॉलिसी बोल बोल रहे है कि भाई आप तो कोई पेलोड ले ही नहीं सकते तो इन ये जो चीज़ है ये हो सकता है इन कंपनियों के लिए थोड़ा तो सा प्रॉब्लमेटिक हो तो क्योंकि ये जो जोमेटो जो एमेजोन है ये सोच रहे हैं कि अपना पाँच किलो तक ये पेलोड लेके जा सकते हैं लेकिन अभी इसके हिसाब से उनके लाइफ में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं ड्रोन के यूज़ से लेकर तो ये होगा यूसेज पे मतलब लेकिन जो यूज़ कर रहा है उसके अलावा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है मतलब जो कंपनी ड्रोन बना रही है उनके लिए भी कुछ पॉलिसी और रेगुलेशन बनाए हुए हैं तो पहली बात तो जिसको भी मैन्युफैक्चर करना है या फिर ड्रोन में ट्रेड करना है या फिर इंडिया के बाहर से उसको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो ये जो सर्टिफिकेट ये मैन्युफैक्चर को लेना ज़रूरी है तो ये लेंगे कैसे तो उसके लिए इनिशियली जो है वो मिनिमम दस तक का जो कीमतें हैं वो गवर्नमेंट को भरेगे उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगा और उसके बाद जब उनको सर्टिफिकेट मिलता है उसको और पैसा पे करके उसको जो भी प्रोटोटाइप इंडिया के गवर्नमेंट ने बनाया मतलब जो रूल्स बनाए कि ये ड्रोन ऐसा होना चाहिए ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से उनको ड्रोन बनाना पड़ेगा उसके अलावा जब ये ड्रोन बनेगा तो ये जो जो भी इक्विपमेंट है ये इंडिया के अंदर ही जो लेबोरेटरीज है उसी में उनको टेस्ट करना पड़ेगा और वो जो टेस्ट करने वाला बंदा भी होगा वो लाइसेंस पायलट होना चाहिए उसी के सुपरविजन में ये सब कुछ चीज़ें टेस्ट होनी चाहिए और जो ड्रोन की साइजेस है जो वेट है मतलब कोई ड्रोन अगर 2 के के ऊपर है तो उसमें कुछ कुछ पार्ट्स लग सकते हैं जैसे जी है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, है उसमें और ज़्यादा ज़्यादा इक्विपमेंट है उसमें लिस्ट दी हुई है तो ये सब चीज़ें उसमें लगा दी जा सकती है लेकिन जो ड्रोन से मतलब दो कीजी से नीचे है तो उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें मतलब उसमें अटैच कर सकते हैं लेकिन वो जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी है तो इससे होगा क्या तो इससे सीधी सीधी बात होगी कि जो ड्रोन के प्राइसेस है वो बहुत ही बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन और इस सब चीज़ों से ड्रोन की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होनी ही होने वाली है तो अभी मान लो कि अगर आप ड्रोन यूज कर रहे हो और एज ए हॉबी के लिए यूज करते हो आप कहीं पर वीकेंड पे या कहीं पे आप आए जो उड़ाते हो मतलब अपना वीडियोग्राफी के फोटोग्राफी के लिए उड़ाते हैं तो आपके लिए भी ये थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं कि मतलब अगर आप अगर 250 ग्राम से ऊपर अगर ड्रोन आप उड़ाते हो 250 सौ पचास टू फिफ्टी ग्राम से ऊपर अगर आपका ड्रोन है तो आपको वन वीक की ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है मतलब आपको अगर ड्रोन उड़ाना है तो अभी एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जिसकी जो कॉस्टिंग है वो हो सकता है पच्चीस हजार तक उसकी कॉस्टिंग आ जाए उसके अलावा आपको दो एप्लीकेशन करने पड़ेंगे ये जो दो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन आपके ड्रोन को और आपको खुद को मतलब ड्रोन एंड ड्रोन ओनर को रजिस्ट्रेशन आप दोनों को ही करना पड़ेगा तो ये सब जो पॉलिसी है अभी ये बहुत ही मतलब आ, इंडिया के गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाई है ये अपने यूसेज पे रिस्ट्रिक्शन डालती है लेकिन ये भी अलग बात है कि मतलब भारत की या अपने देश की सिक्योरिटी के लिए ये, ये बहुत अच्छी भी चीज़ है लेकिन उससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है इन्वेस्ट मतलब वो अपने नए टेक्नोलॉजी लेना चाह रही है कि जैसे कि डिलीवर करने के लिए या फिर इमरजेंसी केस में ड्रोन यूज़ करना हो सकता है उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाए लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे चल के भारत सरकार उसमें और थोड़ा सा रेगुलेशन में कुछ बदलाव लाए और कुछ थोड़े से चेंजेस आए तो तब तक के लिए हम देखते रहेंगे इसमें क्या चेंजेस आता है तो आप क्या कर सकते हैं तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपना उसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग